उस वैन का पुराना सिक्योरिटी गार्ड जो बहुत ही कन्वीनियंटली चोरी के दिन बीमार पड़ गया और इस बहाने गांव चला गया। हमें नहीं लगता कि वो कहीं गांव आओ गया है। वही है इस सबका असली करता धरता। जानते थे देर सवेरे तो आपको सूझ ही जाएगा, पर माफ कीजिएगा इस बारे में थोड़ा विलंब से सूझा आपको, क्योंकि हमको पहले से उस पर संदेह हो गया था और अब पक्का भी हो गया कि वही असली चोर है। हम उसी को पकड़ने निकल रहे हैं। गुड, वेरी गुड। चलिए हम भी आपके साथ। मैडम सर माफी चाहते हैं, पर हम चाह कर भी आपको साथ नहीं ले जा सकते। डीएसपी सर का ऑर्डर है ना, आपको तो इस केस से दूर रखने के लिए बोले, तो सरकारी आदेश है, मानना पड़ेगा। जय हिंद। जय। करिश्मा सिंह, देखिए इस केस के बारे में हमने कुछ सोचा है। हमें लगता है कि इस पूरे मामले में सिर्फ दो नहीं, तीन लोग इन्वॉल्व हैं। चीता, सपना और वो तीसरा बंदा जिसको हमने कंप्लीटली नजरअंदाज कर दिया है। सोचिए कौन? उस वैन का पुराना सिक्योरिटी गार्ड जो बहुत कन्वीनियंटली चोरी के दिन बीमार पड़ गया। आपके थाने के कांस्टेबल और वो आपके थाने कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी सर, फिर से और वो आपके थाने कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी, उनका स्टेटमेंट जिसमें वो खुद चोरी करने की बात मान रहे हैं, उसका क्या? देखिए ये पुलिस का असली मुजरिम तक पहुंचने का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग था। हम ही ने अपने कांस्टेबल से कहा था कि पीकेबी बैंक वैन से जो पैसे चोरी हुए थे, उसके असली मुजरिम को हमने पकड़ लिया है और वो चोर और कोई नहीं, उसी का पुराना सिक्योरिटी गार्ड बबलू यादव है, जिसने की बहुत सोच समझ कर पूरी प्लानिंग के साथ इस चोरी को अंजाम दिया। वो हमारी हिरासत में है, उसने कन्फेशन दे दिया है। स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है। हम ही ने अपने कांस्टेबल से कहा था कि वो झूठा बयान दे, ताकि उस झूठे बयान से असली मुजरिम लापरवाह हो जाए और उसकी लापरवाही का फायदा उठाकर हम उसे पकड़ लें, जो हमने किया। और वो और कोई नहीं, उसी का पुराना सिक्योरिटी गार्ड है बबलू यादव, जिसने की बहुत सोच समझ कर पूरी प्लानिंग के साथ इस चोरी को अंजाम दिया है। वो हमारी हिरासत में है और बहुत जल्द कोर्ट में भी पेश किया जाए। और वो आपके थाने का